सिर्फ विंड मिल जैसे निशान मिलते हैं। नेक्सॉन पेट्रोल में जाते हो तो वैसे के वैसे मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो ऐसे दे रखे हैं, जो ब्लू स्ट्राइप दे रखे, वो नहीं मिलती पेट्रोल में या फिर डीजल में, ब्रांड न्यू नेक्सॉन में। यहाँ पे अगर साइडो कॉर्नर में लेके चलता हूँ, साइडो कॉर्नर वही का वही है, एक इंच हाइट बढ़ गया और आगे और पीछे हेडलाइट और टेललाइट मेजर चेंजेस आपको दिखाई पड़ते हैं। ये देख लो पहले MIDs, मतलब MID देख लो, ये ऐसे डोर ओपन है तो चालू नहीं होगी गाड़ी। और एनिमेशन कितने ज़बरदस्त, नेक्स्ट लेवल के, 2 साल फिलहाल हो रखे गाड़ी में। और लेकिन सबसे यूनिक बात, आपको एनिमेशन देख लो यार, कितना मज़ा आता। 40,000 मार चुके हैं अंकल फिलहाल तो, ये जो ऑन करते हैं वो ACC वगैरह पूरे के पूरे आपको तमाम चीज़ें आपको मिल जाती है, ये पूरी ऑन होती है आपको गाड़ी। हेलो भाई, मैं ओमकार। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियाँ होती है फीचर ओरिएंटेड होती है, जारी जाती है पेट्रोल MPFI इंजन या फिर जो है वो CRDI पे, यानी कि हुंडई पे, हुंडई की गाड़ियाँ देख लो, मारुति सुजुकी पेट्रोल वेरियंट अगर गाड़ियाँ देख लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ ही चलती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे जो है वो खुला आसमान देख रहे हो, एटमोसफियर देख रहे हो, वो इस एटमोसफियर को रिलेटेड अगर कोई आप व्हीकल ढूंढते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देख लो, यहाँ पे जो बेजिंग है EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये जो वेरिएंट है, ये जो ट्रेंड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चलता आ रहा है और चल रहा है। अब इसलिए बिफोर कोविड पीरियड जब कोरोना था, जब चल रहा था, तो उससे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेना नहीं पसंद करते थे। उसकी वजह ही थी, प्रॉब्लम ही था, क्योंकि लोग उस पर नहीं जाते थे। पैसे लगना मतलब 15 लाख रुपये, 16 लाख रुपये, ना जाने कितनी ज़्यादा ओवर प्राइस थी ये गाड़ियाँ। लेकिन उस प्राइस में इतने फीचर नहीं देती थी, उस प्राइस में सिर्फ बैटरी थी, कोई पेट्रोल वेट्रोल ऑप्शन ही नहीं डाल सकते, तो बीच रास्ते बंद पड़ जाए या फिर कुछ हो जाए गाड़ी को, सब्सिडी नहीं मिलेगी या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती थी, तो लोग भी उसे लेना पसंद नहीं करते थे, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते थे, सेकंड प्रायोरिटी रखते थे। आज मैं ऐसी गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो नया वेरिएंट आ चुका है मार्केट में, अभी ये इसकी याद रह जाए, इसके लिए ये मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ। 43.60 किलोवाट की यहाँ पर बैटरी मिलती है आपको, और सबसे बात 360 किलोमीटर की जो है वो टाटा दावा करती है गाड़ी का, 280 तक मेरे ख्याल से मारेगी गाड़ी किलोमीटर। अब यहाँ पर ये जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दिखा रहे हो, 1 किलोवाट की, मतलब यानी कि 46.70 किलोवाट की बैटरी जो है वो ब्रांड न्यू जो टाटा नेक्सॉन अभी आई है, फियरलेस वेरिएंट जो आया है EV+, उसको मिलती है। अभी यहाँ पे प्रेस्टीज या फिर उसके बाद जो है वो फियरलेस या फिर फियरलेस EV+ EV, ऐसे ना जाने कितने सारे वेरिएंट है। अभी ये सेकंड टॉप वाला वेरिएंट फियरलेस प्लस आप देख रहे हो, अभी ये टाटा नेक्सॉन 2019 वाली है। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी लुक। ये जो लुक है सिमिलर जो है ब्रांड न्यू जो है वो टाटा नेक्सॉन जैसी इंस्पायर करती है, क्योंकि आगे और पीछे इस गाड़ी के सिमिलर ही चेंजेस हुए हैं। मतलब यहाँ पे अगर साइडो कॉर्नर में और लेफ्टो कॉर्नर में आपको दिखाता हूँ तो गाड़ी सिमिलर ही दिखती है, जो टाटा नेक्सॉन ब्रांड न्यू है वैसे की वैसे ही रखे, विड्थ हो, डायमेंशन हो, थोड़ी 1 इंच बढ़ गई है हाइट जो है वो, लेकिन क्योंकि जो टायर प्रोफाइल बढ़ गए। लेकिन पुरानी वाली टाटा नेक्सॉन अगर नए वाले से कंपेयर करते हो तो सिर्फ ये वाला आगे वाला लुक और पीछे वाला लुक सबसे ज़बरदस्त कर दिया टाटा नेक्सॉन का, यानी कि पहले भी था और अभी जो ज़्यादा ही मॉडर्न कर दिया। अभी सामने उसकी फीचर की बात करते हैं, सबसे पहले मुद्दा EV ले लो भाई, EV इज इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं फ्यूल कंजम होता है, पेट्रोल बच जाता है, पेट्रोल भी सेव होता है, और सबसे बढ़िया बात एनवायरनमेंट भी साफ थोड़ा बहुत रहता है, आपकी कुछ चंद पैसे सेव भी होते हैं, क्योंकि एक ही तो है मामला, अगर 10 लाख रुपये एक गाड़ी के ऊपर स्पेंड करते हो तो पेट्रोल भी उतना भी मिलेगी, वो 3-4 लाख का अगर 5-6 साल इस्तेमाल करते हो तो EV लेते हो तो 15-20 लाख एक ही बार डालने हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं भरना है, मतलब एक ही का सौदा है। लेकिन पेट्रोल में तो वही डीजल में छोड़ दे, फिर पैसे की बचत तो बाद में छोड़ दो, एनवायरमेंट सेव हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं EV की, यहाँ पे EV पहले ब्रांड यहाँ पे लोगों को दिखाई पड़ता है, पूरी की पूरी ब्लू स्ट्राइप आपको जो है वो कॉर्नर के साथ यहाँ से चलती हुई नजर आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप दिख रहे हो। यहाँ पे अगर साइड कॉर्नर में बात करते हैं, सिंगल प्रोजेक्टर लैंप आपको मिल जाते हैं दोनों के दोनों, डे टाइम रनिंग लाइट की स्ट्राइप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, टाटा का लोगो मिलता है। नीचे अगर बात करते हो तो इसे विंड मिल जैसे निशान मिलते हैं, नेक्सॉन पेट्रोल में जाते हो तो वैसे के वैसे मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो ऐसे दे रखे हैं, जो ब्लू स्ट्राइप दे रखे, वो नहीं मिलती पेट्रोल में या फिर डीजल में, ये पूरे ब्लू स्ट्राइप मिल जाते हैं, कार्बन फाइबर फिनिशिंग मिलते हैं, पतरे की क्वालिटी हमेशा ज़बरदस्त ही होती है। अगर मैं मारता हूँ गाड़ी को, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी भारी भरकम होती है। नीचे फाइबर स्टिक मटेरियल काफ़ी पहले मारुति सुजुकी या फिर हुंडई से काफ़ी ज़बरदस्त दे दिया गया। यहाँ पे EV की बेजिंग आपको दिखाई पड़ती है साइड कॉर्नर में। यहाँ पे अगर पीछे लेके चलता हूँ तो इस तरह से सर्फोमीटर जो है वो क्रॉसओवर SUV में आती है, मतलब वेन्यू की अगर कंपेयर करते हो इससे तो सफोमीटर SUV शेप में चली जाती है, लेकिन ये SUV है, लेकिन क्रॉसओवर SUV है, मतलब माइक्रो SUV शेप में चली जाती है ये गाड़ियाँ। लेकिन बहुत टाटा पंच भी आ चुके हैं और माइक्रो SUV ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा ये चल रहा है। पीछे अगर लेके चलता हूँ तो आगे ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको दिखाई पड़ता है, दो रूफ रोलिंग आपको दिखाई पड़ते हैं, व्हाइट और ब्लू ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में आती है। पहले जब लॉन्च हुई थी पहला वाला जनरेशन, आगे और पीछे नॉर्मल से चेंजेस थे, मतलब गोल मोटल से हैलोजन लैंप आते थे, अभी पूरे के पूरे डे टाइम रनिंग लाइट कर दिए।
इसका बेनिफिट ये है कि आपको पूरी व्हाइट लाइट्स मिलती है, एलईडी लाइट मिलती है, पीछे एक डे टाइम रनिंग लाइट की स्ट्राइप आपको रेड कलर की मिल जाती है, ब्रेक स्टॉप लैंप आपको एलईडी मिलता है, यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर दे रखा है, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, पूरा का पूरा जो है वो सेटअप एलईडी देना चाहिए था। एक चीज़ आपको हैलोजन मिलती है इंडिकेटर, बाकी सब एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट व्हाइट मिलती थी है। ईवी का बेजिंग आपको दिखाई पड़ती है, ईवी की बेजिंग टाटा का लोगो आपको क्रोम फिनिशिंग में दिखाई पड़ता है, नेक्सॉन बड़ा बड़ा सा लिखता है। और सबसे मेजर बात यहाँ पे पीछे ये नीचे आप अगर बात करते हो तो चारों के चारों आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दो ही है। टॉप वेरिएंट उसका फेयरलेस प्लस लेते हो तो यहाँ पे चार पार्किंग सेंसर अभी टॉप वेरिएंट में आने लगे, अभी वाले नेक्सॉन में थर्ड जनरेशन वाले। मेजर चेंजेस आपको नहीं है ब्रांड न्यू नेक्सॉन में। यहाँ पे अगर साइडो कॉर्नर में लेके चलता हूँ, साइडो कॉर्नर वही का वही है, एक इंच हाइट बढ़ गया है, और आगे और पीछे हेडलाइट और टेल लाइट मेजर चेंजेस आपको दिखाई पड़ते हैं। पूरी पियानो ब्लैक फिनिशिंग, कार्बन फाइबर फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ती है। रिक्वेंस सेंसर एक आपको दोनों के दोनों दे रखे हैं। ईवी की बेजिंग आपको दिखाई पड़ती है जगह जगह, और यहाँ पे थोड़ी टी गई है, गाड़ी गई है थोड़ी ठुकने की वजह से, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पे स्क्रैचेस मार्क वगैरह आए हुए हैं। यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टॉप एंड वेरिएंट में जैसे आते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ, आपको पूरे डायमंड कट नहीं, यहाँ पे कार्बन फाइबर है और थोड़ा सा स्टील भी है, टॉप एंड में पूरा डायमंड कट आता है। ये सेकंड टॉप एंड है। 215/60R16 के टायर प्रोफाइल आपको दिखाई पड़ते हैं। ये जो है वंडर के टायर है जो कंपनी फिटेड ही आते हैं, अभी पहले वाले आते थे गुडियर के आते थे, अभी उसके बाद MRF कर दिया, अभी जो है वो ब्रांड न्यू टाटा नेक्सॉन आती है उसको जो है वो योकोहामा डालती है। ईवी अगर बात करते हो तो यहाँ पे जगह जगह बेजिंग आपको ईवी की दे रखी है, और ब्लू की स्ट्राइप जो ईवी की पहचान है वो दिखाती है। पीछे अगर लेके चलता हूँ साइडो कॉर्नर में फाइबर, भाई मारुति सुजुकी हुंडई से तो मच बेटर है इस वाले पर, 15 लाख के प्राइस सेगमेंट में अगर गाड़ी बैठ रही हो तो। जिप्ट्रॉन वेरियंट लिखा हुआ है, बीच वाला वेरियंट है, फियरलेस प्लस। ईवी यहाँ पे बड़ा बड़ा सा दिखाई पड़ता है। पीछे 360 पार्किंग कैमरा आपको मिलता है, एक जो है वाइपर के कंट्रोल डिफॉगर आते हैं, एक ब्रेक स्टॉप लैंप आपको दिखाई पड़ता है, रिफ्लेक्टर का काम करता है, वोकल टू लोकल जो हमेशा कोई टाटा ले लो, हैरियर ले लो, नेक्सॉन ले लो या फिर अल्ट्रा ले लो, ये बेजिंग मिलेगी मिलेगी। यहाँ पे शार्क पी 99 एक थोड़ा कलर्ड है ब्लैक कलर में, दो रूफ रेलिंग आते हैं। अब बाहर से तो मैंने बता दिया, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के लिए ये जानी जाती है ईवी जैसी गाड़ियाँ सबसे मशहूर है, क्योंकि ईवी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फ्यूल भी बचाती है आपका, पेट्रोल में 4 पैसे आपके बचाती है, और दूसरी बात है ये जो है पोल्यूशन नहीं करते यार गाड़ियाँ, क्योंकि इनमें या आपने चीज़ नोटिस कर ली होगी यहाँ पे आपको कोई भी जो है वो नहीं पड़ता, यहाँ पे साइलेंसर कहीं दिखाई नहीं पड़ता, कार्बन नहीं आपको दिखाई पड़ते क्योंकि यहाँ पे साइलेंसर ही नहीं होता। दो आपको जो है वो आपको पार्किंग सेंसर दिखाई पड़ते हैं, मैग्नेटिक बटन है जैसे नॉर्मली नेक्सॉन में होता है वैसे। अब यहाँ पे अगेन आगे बात करते तो बम्पर भी अच्छा खासा आगे नहीं है, मतलब पार्किंग ओरिएंटेड काफ़ी जो है वो व्हीकल आपको दिखाई पड़ता है, मतलब पार्क भी अच्छी तरह से कर सकते हो, टाइट पार्किंग में भी अच्छी खासी पार्क हो जाती है। साइडो कॉर्नर में क्रीजर्स यहाँ पे नेक्सॉन की ब्लियानो ब्लैक फिनिशिंग की ब्रांडिंग आपको दिखाई पड़ती है, डे टाइम रनिंग लाइट की स्ट्राइप आपको अच्छी खासी दे रखी है, और आगे अच्छा खासा लुक मिलता है। और सामने अभी वाली वेरियंट के साथ पिछले वाले वेरियंट के साथ कंपेयर करते हो तो लुक आगे और पीछे मेजर चेंजेस अभी वाली नेक्सॉन में हुए, पूरा बम्पर ही चेंज हुआ है नए वाले नेक्सॉन में, और पीछे वाला लुक हुआ है। और विड्थ की अगर बात करते हो वही की वही है, अभी वाली नेक्सॉन में हाइट बढ़ गई है, और ये साइडो कॉर्नर की जो है लुक है वैसी की वैसी ही रखी हुई है जैसे पहले वाली नेक्सॉन, ये वाली नेक्सॉन एग्जिस्ट करती है वैसी। टायर प्रोफाइल 215 की टायर प्रोफाइल आपको मिल जाती है गुडियर की, और यहाँ पे आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, टाटा का लोगो मिलता है, और आगे इस तरह से कुछ जो है वो आपको लगेगा इंजन प्लेस्ड है। यहाँ पे है रीजनरेशन बैटरी सिस्टम जो क्लच दबाने पर ऑटोमेटिकली रीजनरेट होती है, वैसी की वैसी टेक्नोलॉजी आपको जो टाटा नेक्सॉन अभी वाली में मिलती है। अभी 46.70 किलोवाट की बैटरी मिलती है, टाटा दावा करते हैं 370 किलोमीटर की रेंज, मेरे ओपिनियन से 200 किलोमीटर प्लस जाएगी ये गाड़ी, अगर आप स्पोर्ट्स में डालते हो तो नॉर्मल 180 तक जाएगी ही जाएगी, नॉर्मल कंफर्ट में चलाते हो या फिर नॉर्मल चलाते हो तो 200 के ऊपर ही जाएगी। अभी नई वाली टाटा नेक्सॉन की बात करते हो तो यहाँ पे 48.60 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो कि अराउंड 400 जो है वो किलोमीटर जाने का दावा करती है टाटा कंपनी, थोड़े बढ़ गया किलोमीटर की रेंज और लुक भी मतलब चेंज हो गई, इनहांस हो गई। अब अंदर बात करते हैं गाड़ी कैसे प्रैक्टिकल है, सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी आप फील कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी भारी भरकम आती है जो पहले वाली टाटा नेक्सॉन में आया करती थी। यहाँ पे चारों के चारों आपको बटन्स आपको दे रखे हैं, लॉक अनलॉक के बटन आपको मिल जाते हैं, क्रोम फिनिशिंग बढ़िया सी दे रखी है छोटी सी, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के क्रीजेस है, और सबसे बढ़िया बात बिल्ड क्वालिटी काफ़ी भारी भरकम को मिल जाती है। अंदर जैसे बैठते हो सबसे आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे टाटा का बढ़िया सा लोगो मिल जाता है, यहाँ पे टाटा का लोगो क्रोम फिनिशिंग में दिखाई पड़ता है, वॉल्यूम के रॉकर्स वगैरह यहाँ पे बड़े बड़े से आपको दे रखे हैं, व्हाइट लाइट्स आपको कर दी है ये पूरी की पूरी। यहाँ पे कुछ स्पेस रख सकते हो, यहाँ पे ट्विटर आता है, मतलब ट्विटर ये नहीं है एक्चुअली, ये स्पीकर है, ब्लूटूथ का काम करता है, यहाँ पे
ब्लूटूथ का स्पीकर है, मतलब फोन वगैरह कॉलिंग आए तो यहाँ से आप सुन सकते हो। वाइजर्स है अच्छे खासे, ठीक ठाक प्रोटेक्शन। यहाँ पे एक जो मिरर मिलता है, यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे पॉकेट वॉकेट में हाथ डाल सकते हो। यहाँ पे बटन्स के वगैरह कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको क्रीजर दिखाई पड़ते हैं। वॉल्यूम के रॉकर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स है, ऑटो के आपको बटन मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग दिखाई पड़ती है। नेक्सॉन की आपके ब्रांडिंग है, हज़ार लाइट की आपको वार्निंग मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये जो देखो, ये टाटा का यहाँ पे लोगो मिलता है। और सबसे बड़ी बात पियानो ब्लैक फिनिशिंग, और ये देख लो पहले MIDs, मतलब MID देख लो। ये ऐसे डोर ओपन है तो चालू नहीं होगी गाड़ी, और एनिमेशन कितने ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल के, 2 साल फिलहाल हो रखे हैं गाड़ी में। और लेकिन सबसे यूनिक बात आपको एनिमेशन देख लो, और कितना मज़ा आता है। 40,000 मार चुके हैं अंकल फिलहाल तो, ये जो ऑन करते हैं वो ACC वगैरह पूरे के पूरे आपको तमाम चीज़ें आपको मिल जाती है। ये पूरी ऑन होती है आपको गाड़ी, ये पहले रेडियो बंद करता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे 4.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, काफ़ी बढ़िया सी टच स्क्रीन आपको डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पे ये जो बंद कर लेता हूँ पहले, ये हरमन गार्डन का स्पीकर मिल जाता है आपको। म्यूजिक के कंट्रोल्स यहाँ पे, ब्लूटूथ के कंट्रोल, FM, USB, iPod, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, सब की सब चीज़ें मिलती है हरमन गार्डन का। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और बढ़िया सा एम्प यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है। AC के कंट्रोल्स आपको मिल जाता है यहाँ पे बढ़िया से, ये पूरे ऑटोमेटिक वगैरह कर सकते हो। ये AC आप जैसा चाहिए वैसे बढ़ा सकते हो। इग्निशन के कंट्रोल वगैरह मिलते हैं, लेवल 1 लेवल 2 आपको मिल जाती है। ये स्पोर्ट्स वगैरह डी पे डाल सकते हो, मतलब यहाँ पे ये जो है वो ये देख लो, आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा क्योंकि ये डोर ओपन है। प्रेस बैक पैडल टू स्टार्ट द व्हीकल, ये देख लो अभी स्टार्ट हो गया, एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो गई। ये देखो गाड़ी नहीं जाएगी जब तक ये डी पे नहीं डालते, डोर नहीं बंद करते तब तक गाड़ी डी पे नहीं जाती। इस तरह से आपको की बढ़िया सी नज़र आती है। लॉक अनलॉक ये जो है हेडलैम्प के चालू बंद यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो, बूट खोल सकते हो, यहाँ पे ये अनलॉक लॉक कर सकते हो। नॉर्मल सी की आती है जैसे टाटा नेक्सॉन में पहले आती है, वैसे टाटा का लोगो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में मिलता है। इस तरह से कुछ यहाँ पे की रखता हूँ डी। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन मिलता है। AC एक ऑन के बटन यहाँ पे मिल जाता है, एक ऑन करने के लिए यहाँ पे AC बंद करने के लिए आपको बटन मिलता है। ऑटो का बटन मिलता है, एक ऑफ का बटन मिलता है। हज़ार लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है। पूरी एनर्जी कहाँ से फ्लो रही है, कितने परसेंट बैटरी चार्ज है, यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें बताता है। ये स्पीडोमीटर टेकोमीटर आपकी चीज़ें बताता है। यहाँ पे जो है रेडी गियर के कंट्रोल्स, यहाँ पे DSP यहाँ पे बताता है, स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ पे कंट्रोल कैसे टॉगल कर सकते हो, डी हो गया, एन हो गया, अभी फिलहाल तो न्यूट्रल पे। यहाँ पे कुछ किया है, यहाँ पे स्पेस है बढ़िया सा, आर्मरेस्ट आपको ठीक ठाक स्पेस मिलता है, वेंटिलेटेड विदाउट सीट्स है। यहाँ पे ग्लोबॉक्स वैसे पहले वाले टाटा को नेक्सॉन के खोलते हैं वैसे के वैसे दिखता है। यहाँ पे कुछ स्पेस है, अच्छा खासा आपको ग्लोबॉक्स मिलता है, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, नेक्सॉन की ब्रांडिंग है, हरमन गार्डन स्पीकर है, और वैसे के वैसे आपको डैशबोर्ड रखा है वैसे पहले वाला चलता है हुआ है। फिलहाल चारों के चारों बॉटल होल्डर आपको दिखाई पड़ते हैं। और सबसे बढ़िया बात अंदर जैसे चढ़ते हो थर्ड आप सुन सकते हो, काफ़ी भारी भरकम फील होता है। यहाँ पे ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, ऊपर थोड़ा सा व्हाइटिश नज़र आता है, और ड्यूअल टोन है, ब्लू है फिलहाल, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर आप देख लो। यहाँ पे जो खाली दे रखा है जो की मैनुअल में आती है जो है वो इग्निशन यहाँ पे डालने के लिए, की इग्निशन वो मैनुअल में। अभी ये जो टाटा नेक्सॉन EV में मिलेगी तो आप कीलेस एंट्री होगी पूरे के पूरे, नॉर्मली आपको मैंडेटरी जो है वो आपको इलेक्ट्रिक ही गाड़ियों में जो है वो कीलेस एंट्री आपको मैंडेटरी मिलेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह रख सकते हो, कॉइन वगैरह रखने के लिए जगह है। यहाँ पे कुछ 12 वोल्ट का पावर सॉकेट वगैरह मिलता है, यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह छोटा मोटा मिल जाता है। और यहाँ पे बॉटल होल्डर थोड़ी मिसिंग चीज़ लगी मुझे, यहाँ पे नहीं रख सकते, वहाँ पे रख सकते हो 1 लीटर की बॉटल, लेकिन पेपर वर्क रखने के लिए चारों के चारों आपको बॉटल होल्डर और पेपर वर्क के लिए लगा है। 2 ट्विटर आते हैं यहाँ पे आगे में, 4 स्पीकर आते हैं, हरमन गार्डन के स्पीकर है, अलाइनमेंट स्टेयरिंग व्हील, काफ़ी तमाम चीज़ें बताती है यहाँ पे। ये जो है वो न्यूट्रल है, गियर रेडी है गाड़ी दौड़ने के लिए, कितने किलोमीटर चल चुकी है फिलहाल, ये सभी के सभी एनर्जी कहाँ से फ्लो हो रही है। अभी ये सेटिंग करते हो यहाँ पे, ये जो है वो चीज़ें आप सेट कर सकते हो। वॉल्यूम के रॉकर्स, हैंगअप पिकअप कॉल करने के लिए अभी चीज़ें मिल जाती है, नेक्सॉन की ये बटन वगैरह मिल जाती है। अभी गाड़ी बोलती भी है अच्छी खासी, मतलब जो है सोच सकते हो। ये यहाँ पे बूट खोलने के लिए पीछे का यहाँ पे बटन मिल जाता है, फिर से बंद नहीं कर सकते, एक बार खोल सकते हो। मोटर होती है, लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे बटन है, ये जो है वो आपको लाइट के आपको बटन आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल का बटन वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे डिफॉगर के बटन सेट वगैरह करने के लिए AC आपको दिखाई पड़ता है। अच्छा खासा स्पेस है, और पहले वाले नेक्सॉन है वैसे कि वैसा इंटीरियर। सबसे एक चेंजेस है EV यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे बाहर है, और EV की यहाँ पे ब्लू स्ट्राइप की उसकी पहचान बनी हुई है, जो नॉर्मल अपने नेक्सॉन लेते हैं आपको दिखाई नहीं पड़ती। चारों के चारों आपको पावर विंडशील्ड आता है, एक मैनुअल ऑटोमेटिक आता है, एक सिंगल ये दबाना पड़ता है ऊपर जाते हुए, नहीं फिर से ही दबाना पड़ता है, चारों के चारों मैनुअल ऑटोमेटिक आते हैं। लॉक अनलॉक विंडशील्ड के बटन आपको दिखाई पड़ते हैं। पीछे अगेन बात करते हो तो सबसे बढ़िया बात स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है, 5-7 एवरेज बंदा बैठ सकता है। थाई सपोर्ट ठीक है, बढ़िया सी नी रूम लेग स्पेस है, आपको AC विंड्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, एक छोटा मोटा आपको पार्सल मतलब जो है वो आर्मरेस्ट आता है ठीक ठाक। और यहाँ पे आप जो है वो आगे आपको जो बताता हूँ मैं, 5-7 तक एवरेज बंदा बैठ सकता है, 6 फीट तक भी बैठ सकता है। थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, लेकिन लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़रा कम लगा मुझे। यहाँ पे थोड़ा चार्जर वार्जर होता है बढ़िया सा, लेकिन खाली दे रखा है। 2 AC विंड्स आपको मिल जाते हैं, और पीछे पार्सल ट्रे मिल जाता है, और बूट कैरिंग कैपेसिटी 210 लीटर की यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो भी अपने
सेगमेंट में अभी खुला ही है, अभी दिखाता हूँ। ठीक ठाक है, मतलब दो बीन बैग्स वगैरह आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से तरीके से आपको स्पेस मिल जाता है। ग्रीन नंबर प्लेट है जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होने का जो है फील करवाती है गाड़ी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं आपको लेना इज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लेके यहाँ पे लेनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि आगे का यहाँ पे जो फ्यूचर है इसमें ये डिपेंड होगा। यहाँ पे कुछ स्पेस है, और यहाँ पे बढ़िया सा यहाँ पे आप ये खोलते हो तो काफ़ी बड़ा आपको जो स्पेस आपको बन जाता है कुछ मोबाइल वोबाइल रखने के लिए हो, चाहे कुछ कूल ग्लव बॉक्स मिसिंग लगा है मुझे गाड़ी में, लेकिन गाइस साउंड क्वालिटी अगर टाटा की गाड़ी लेते हो तो साउंड क्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से कुछ है, स्टार्ट करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं होता, मोटर दबानी मतलब स्टार्ट मोटर चालू करने के लिए बटन दबाना पड़ता है। गाड़ी चालू है कि बंद वो आप पहचान भी नहीं सकते, इतनी साइलेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका बेनिफिट है आपको नॉइस लेस जो है ऑपरेशन मिलेगा पूरा। कोई भी गाड़ी चालू है बंद है कुछ भी आपको साउंड सुनाई नहीं देगी कैबिन में, चाहे गाड़ी बंद हो चाहे गाड़ी चालू हो। इसका बेनिफिट भी है, लॉस भी है, अगर कोई लेडीज वगैरह उसको गाड़ी देते हो तो लगने के चांसेस भी बहुत है, क्योंकि गाड़ी चालू है कि बंद है वो अगर आप अपने ही धुंधली में हो तो समझ में भी नहीं आएगा आपको, एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी इतनी जो है वो कैबिन इतनी साइलेंट है, इतनी एकदम शांत है कि आपको सुनाई भी नहीं देती। अब 365 किलोमीटर दावा करती है अभी पुराने वाली नेक्सॉन, 420 किलोमीटर के ऊपर आपको नई वाली नेक्सॉन दावा करती है, मतलब 100 किलोमीटर तो रेंज बढ़ गई। और यहाँ पे पहली वाली जो आती थी टाटा नेक्सॉन वो करीबन मेरे ख्याल से 43 मतलब ये वाली टाटा नेक्सॉन 43.70 किलोवाट की बैटरी मिलती थी, अभी वाली टाटा नेक्सॉन जो ब्रांड न्यू आई है उसको 48.60 किलोवाट की बैटरी है, पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में मिलती है। यहाँ पे जो टाटा नेक्सॉन है वो पहली वाली दिखाई मैंने, अब नई वाली जो टाटा नेक्सॉन है वो कैसे मार्केटिंग करती है वो देख लेते हैं। अब नई वाली और पुरानी वाली में सिर्फ ये लोगो की कमी है, लोगो ऐसे के वैसे है लेकिन जो टाटा सालों से चलता आया हुआ, लेकिन यहाँ पे जो लोगो है वो पूरा चेंज करके उन्होंने डिजिटल कर दिया यहाँ पे, और ये मेजर चेंजेस है। बाकी सिमिलर जो है वो डैशबोर्ड पूरा चेंज है, और ये लुक साइडो कॉर्नर की अगर बात करते हैं नई वाली नेक्सॉन में पूरा का पूरा वैसे की वैसा है, लेकिन सामने जो अगर लुक बोलते हो और पीछे वाला लुक बोलते हो मतलब ए पिलर से बी पिलर, ये पूरा लुक उन्होंने चेंज कर दिया है, बम्पर का बम्पर के साथ हेडलाइट का सिंगल प्रोजेक्टर लाइट भी चेंज कर दिया और पीछे भी चेंज कर दिया। ऐसी है टाटा नेक्सॉन, ये जो टाटा नेक्सॉन मैं दिखा रहा था 2021 वाला वेरियंट आप देख रहे हो, BS6 कंबाइंड 2 इंजन, वहाँ पे भी BS6 चलता था, ये पूरी की पूरी गाड़ियाँ BS6 फेज 2 में आती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, यहाँ पे टाटा नेक्सॉन ईवी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।